अक्सर लोग अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल और धारा यानी कि सेक्शन, इन दो शब्दों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन मीडिया में जो लोग अक्सर जिस तरीके से बोलते हैं उससे ये कंफ्यूजन और भी ज़्यादा हो जाता है। हमें समझना ये है कि ये दो शब्द अलग हैं और अलग अलग कानूनी प्रावधानों से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि मीडिया में इन दो शब्दों से जुड़ा हुआ क्या कंफ्यूजन है। बिग विक्ट्री फॉर द गे राइट्स मूवमेंट, दैट्स व्हेन द गवर्नमेंट स्क्रैप्ड आर्टिकल 377, यू रिमेंबर दैट, फाइनली लीगलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। या हम देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं आर्टिकल 377, लेकिन उनका मतलब आईपीसी या इंडियन पीनल कोड की धारा यानी कि सेक्शन 377 से है। अभी एक और क्लिप देखते हैं। ये मेड इन हेवन एक सीरीज आई थी, आप इसमें देखें कि उन्होंने क्या कहा। Please do something. You're lucky they haven't filed an FIR as yet. It's very tough to get bail on Article 377. इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं आर्टिकल 377, लेकिन उनका मतलब आईपीसी की धारा 377 से है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें दो कानूनी किताबों की मदद लेनी पड़ेगी। एक है संविधान, हमारा भारतीय संविधान, और दूसरा एक कानून जिसका नाम है इंडियन पीनल कोड। अब आप जब संविधान की किताब की इंडेक्स को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सारे जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी लिस्ट बनी है, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं उसको लिखा है अनुच्छेद। संविधान में होते हैं अनुच्छेद। दूसरे हाथ पर अगर हम आईपीसी इस कानून की किताब को देखते हैं, इसके इंडेक्स को अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रावधान दिए गए हैं वो हैं धारा। संविधान को वापस से अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें अनुच्छेद एक से शुरू होते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एक अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, इसमें अनुच्छेद 14 है जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है वो दिया गया है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इसी तरीके से कुल मिलाकर हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान हमारे देश का बुनियादी कानून है। इस बुनियादी कानून को आधार मानते हुए बाकी सारे कानून बनते हैं। इतने सारे कानून हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम इस बुनियादी कानून को लेकर या संविधान को लेकर बनते हैं। हर एक कानून में अपनी धाराएं दी गई हैं, तो अगर आपको कभी भी किसी भी धारा के बारे में बोलना है तो उसको उसके कानून से जुड़ते हुए बोलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की किताब उठाते हैं तो उसमें जो सेक्शन 377 है या धारा 377 है वो अननेचुरल ऑफेंसेस से जुड़ी हुई है। अब धारा और अनुच्छेद का ये फर्क जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने अधिकारों के बारे में किसी को भी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या उस पर लड़ना चाहते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि हम कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, संविधान के कौन से प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, उसको उसका नाम उसके बारे में बताना पड़ेगा। या जब अगर कोई कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अपनी जब शिकायत दर्ज करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी शिकायत उस कानून की कौन सी धारा से जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अनुच्छेद और धारा इसका क्या अंतर है ये आप समझ गए होंगे, और सेक्शन 377 यानी कि धारा 377 आईपीसी के बारे में आपको अगर और जानना है तो हमारे YouTube में एक और अच्छा वीडियो है जो इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिए इस वीडियो के ऊपर, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वी द पीपल अभियान से मैं विनीता सिंह।